जय गुरु जी, गुरु जी को चरण वंदना और संगत को नमन। कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण, तो करने वाले का तो कल्याण इसलिए हो जाता है क्योंकि वो उस वक्त को, उस क्षणों को फिर दोबारा जी पाता है। तो ये गुरु जी की मेहर है। अभी पीछे मई के महीने में मैं दिल्ली से बाहर एक उसमें 3-4 दिन के उसमें थे प्रवास में, और वहाँ सत्संग सिर्फ सत्संग हुए, मतलब जो शब्द का नहीं, संगत बैठे साथ में और छोटे छोटे पॉकेट में जो है सिर्फ सत्संग का, क्योंकि आजकल जहाँ भी लाइव उसमें हो रहा है कि वहाँ जब सत्संग का वक्त आता है तो तब जो संगत लंगर करके चलनी शुरू हो जाती है, सत्संग के लिए बुलाते हैं और शब्द सुन के वापिस चले जाते हैं। सत्संग का जब वक्त आता है उस समय संगत का ध्यान ही कहीं होता है, हमको मतलब नहीं है, कोई सत्संग सुना रहा है, गुरु जी की बढ़ियाई कर रहा है, गुरु जी की करी हुई जो ब्लेसिंग्स हैं उनको कैसे एंजॉय किया हमने, उनको जो भी कर रहा है, लेकिन उनको मतलब नहीं होता। तो ये जो गुरु जी बोलते थे कि मुट्ठी भर संगत है, तो वाकई में लगता है कि जो गुरु जी ने बोला है उसका बिल्कुल अक्षरतः जो है ना वही सत्य हो रहा है कि भीड़ तो बढ़ रही है संगत में, लेकिन एक्चुअल संगत कितनी है उसमें से ये ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो वहाँ गए थे सत्संग के लिए, तो जिस दिन हमने आना था, वापिस आना था, दिल्ली वापिस आना था दोपहर को, उस दिन एक अर्ली मॉर्निंग का सत्संग रख लिया 5 बजे का। और वो भी क्या था कि वहाँ एक संगत ऐसी थी हमारे बीच में जो दिन के जितने भी जहाँ जहाँ भी सत्संग हुए वो वहाँ नहीं पहुँच पाए, उनका उनका कहना था कि उनके कुछ जो प्री ऑक्यूपाइड जो जिंदगी के जो काम हैं उन उनकी वजह से वहाँ नहीं जा पा रहे वो। तो वहाँ एक दिन ऐसी बात हो रही, तो मैंने मेरे साथ जो अंकल थे मैंने उनको बोला, मैंने अंकल एक काम करो, उनको जो है ना उस संगत को ये बोल दो कि सुबह 4 बजे का सत्संग रख लेते हैं, तो कम से कम 4 बजे उनको कोई प्री ऑक्यूपाइड काम नहीं होगा तो उनको भी सत्संग सुनने को मिल जाएगा, जो वो कह रहे हैं कि मैं चाहती हूँ लेकिन हो नहीं रहा। इतनी बात हुई थी, तो इतने में कुछ संगत हमारे से मिलने आई, जैसे पता था कि कल हमने निकलना है तो मिलने आए। तो जब वो मिलके जाने लगे तो उन एक कांटी थे, वो कहने लगी अंकल अगर आप अलाउ करें तो कल आप लोग कल तो जा रहे हो, ये मॉर्निंग का एक सत्संग रख लेते हैं, कल मेरे अंकल का जो है जन्मदिन है तो अगर आप कहो तो। मैंने कोई बात नहीं, सुबह का वक्त है, हम तो आए इसीलिए हैं कि गुरु जी की बढ़ियाई जितनी हो सके, जितनी उनकी उत्सत हो सके उसी के लिए आए हैं, तो जो भी मौका मिलेगा जितना भी वक्त मिलेगा, क्योंकि हमारे वहाँ आने का पर्पज ना तो कोई बाजार घूमना है, ना कोई साइट सीइंग देखना, कुछ भी नहीं है, हमारा तो एक था कि गुरुजी के संगत का जो परिवार है उस परिवार से मिलना और उनके लिए जितना उनसे हम सुन पाएं और जितना उनको बता अपना जो है सत्संग, गुरुजी के जो सत्संग उनको बता पाएं, यही एक भाव लेके गए थे। तो बाकी और कुछ था नहीं, वहाँ क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, कौन सी देखने की चीज़ें हैं, कौन से माल हैं, उससे कोई मतलब नहीं था। तो मैंने कहा आंटी कोई बात नहीं, सुबह दोपहर को तो हम निकलना है तो सुबह भी कर लेते हैं। यानी कि अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि किसके अंदर कितनी आग है गुरुजी की सत्संग सुनने की या गुरुजी से मिलने की, वो पता लग जाएगा वो उसी उसमें, क्योंकि ये जो बात हुई थी सुबह 4 बजे सत्संग रखने की जो बात मेरे मुंह से निकली थी वो उन उस संगत के सामने नहीं हुई थी, तो उन्होंने मतलब आके जो किया तो तब समझ में आया कि ये गुरुजी ने एक अपना एक तरीका बना रखा है कि किसको कब किसको क्या उन्होंने सुनवाना है, किसके दिल में क्या भाव चल के आया है, उस भाव की कैसे संपूर्ति करनी है वो ये गुरुजी जानते हैं। तो अगले दिन सुबह जैसे हम 5 बजे गए, वहाँ गुरुजी का दरबार लगा हुआ, वहाँ सब जो है ना सत्संग में बैठे थे, तो मेरे को सामने बिल्कुल गुरुजी का जो गद्दी लगी हुई थी उसके जस्ट सामने एक सोफा था, उस पर बैठने का मेरे को मौका मिल गया। तो उस दिन गुरुजी ने मेरे को जो आँखों जगती आँखों जो चीज़ दिखाई है वो 4 चीज़ मेरे फेस में उसमें आई उस पूरे सत्संग में। पहले मैंने देखा कि गुरुजी के जो चरण हैं जहाँ वो जूती रखी जाती हैं, जोड़े रखे जाते हैं, उन जोड़ों की जगह जो है ना वहाँ नोटों की गड्डियाँ दिखाई देने लगी मेरे, 200 की गड्डी, 500 की, 100 की, 50 की, पूरी ऐसे गड्डियों से भरा हुआ था, नहीं समझ में आया लगा। उसके कुछ देर बाद शब्द चल रहे थे और कुछ देर बाद देखा कि वहाँ एक बहुत अभी बिल्कुल जो पैदा हुआ बच्चा, छोटा सा बच्चा होता है वो बच्चा वहाँ है, मतलब गड्डियाँ गायब हैं और वो बच्चा आ गया उसमें इनकी जगह। बच्चे के बाद में थोड़ी देर बाद में वहाँ देखा कि सिर्फ ये मोर के पंख पंख से पूरा नीचे भरा हुआ है। और फाइनली जब गुरुजी की आरती करने का वक्त आया और ओम जय ओंकार वाली आरती शुरू हुई तो साक्षात गद्दी के ऊपर जो है महाशिव का रूप जो है, जो पूरे ब्लैक उनकी जटाएं थी, दाढ़ी मूछ वगैरह पूरा पूरा ब्लैक पूरे उसमें वो सामने विराजित। ऐसे ही वो वक्त आया
और आंटी ने बोला उन्होंने कि भी सत्संग के लिए कुछ सत्संग जो है ना शेयर करने की बारी बात आई, तो जिनके यहाँ सत्संग था, जिनका जन्मदिन था, उनके मदर के चोट लगी हुई थी और वो पाव की वजह से जो है ना वो जितने भी सत्संग हुए वहाँ दो तीन दिन में वहाँ वो कहीं भी नहीं जा पाए। तो उन्होंने अपनी बात बताई कि ये जो सत्संग आज मॉर्निंग का रखा है ये गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी है कि मैं ये सब घर से चले जाते थे सत्संग के लिए, मेरे को यहाँ छोड़ जाते थे, बींग मेरी टांग में चोट लगी हुई थी, बेड रिडन थे वो, तो कहने लगे कि मैं गुरुजी से बोलती कि गुरुजी डेली दो दो तीन तीन जगह सत्संग हो रहे हैं लेकिन मेरे को तो आप मौका ही नहीं दे रहे। तो कह रहे ये जो सत्संग रखा है रखवाया गुरुजी ने, ये गुरुजी ने मेरे लिए रखवाया। ये उन्होंने अपनी बात की कि मेरी अरदास थी, मेरे अंदर भाव था कि मैं सत्संग से वंचित रहेगी। ये वो आग होती है जो हम कहते हैं ना कि सिर्फ अंगीठी पे कुछ चढ़ा देना, पत्तम रख देने से काम नहीं चलता। तो यही हमारी होती है कि हमारे अंदर इतना भाव, इतनी श्रद्धा, इतना भरोसा, वो इतना हो कि उन तक वो हमारी वो आग पहुंचे, जो कहते हैं ना बर्निंग डिजायर जो होती है, वो चीज़ है जो गुरुजी को तक पहुंचे। तो वो उन्होंने बोला, फिर मैंने उनको बताया कि मेरे को ऐसे से आज जो है ना पहले नोटों की गड्डियाँ, फिर उसके बाद एक बच्चा, उसके बाद इसके मोर के पंख और उसके बाद साक्षात ऐसे कुछ दर्शन हुए। कह के वो हो गया सत्संग, हो गया, वहाँ से वापस दिल्ली आ गए। अब जैसे ध्यान की पोजिशन होती है कई दफ़े, तो उस समय मैंने गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी आपने दिखा तो दिया लेकिन इसका क्या मतलब है, वो मेरी समझ में नहीं आया कि नोटों की गड्डियाँ, बच्चा, ये इसके फूलों का पूरा, इसका मोर के पंखों का, और ऊपर से फिर वो साक्षात उनका। उन्होंने जो मेरे को हर चार जो स्टेप मेरे को दिखाए थे उसका जो मेरे को गुरु जी ने जो एक होता ना क्लैरिफिकेशन वाली जो बात है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए गुरु जी बार बार सत्संग कराते हैं कि हो सकता है एक बार में किसी की उसमें शब्द समझ में ना आए या गुरु जी जो समझाना चाहते हैं वो नहीं समझ आ रहा हो, तो उसको रिपीटेडली अगर अब उसको सुनेंगे तो जो समझाना चाहते हैं उस पॉइंट को, उस क्रैक्स को जो है ना हम पकड़ पाएंगे। तो पहला था कि गुरु जी ने जो पहला जो बताया नोटों की गड्डियाँ जो दिखाई थी कि इंसान की जो आज की जो फितरत है उसमें सबसे पहले उनके दिमाग में आता है कि हमारे पास नोट होने चाहिए, मतलब पैसा होना चाहिए, तो हमारी जितनी भी समस्याएं, हमारी ज़िंदगी की जितनी समस्याएं हम उसको पैसे से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी भूख जो हम लेके जगह जगह घूमते हैं कि हमारे हाथ में पैसा आ जाए, कई दफ़े ये भी भूल जाते हैं कि उस पैसे का जरिया क्या होगा और पैसा आने के बाद हमारी ज़िंदगी में मतलब क्या क्या चीज़ें हमारी ज़िंदगी से छूट पाएंगी, छूट जाएंगी, ये भी नहीं हमें समझ में आएगा, लेकिन पैसे की एक भूख नहीं। उसके बहुत बाद होती है औलाद की भूख कि हमारे संतान हो, गृहस्थी में प्रवेश कर लिया, अब पीढ़ियाँ पिछली पीढ़ी से चला आ रहा है तो आगे पीढ़ी का आगे बढ़ाव कैसे होगा, उसका औलाद जिसके लिए हम भटकते हैं। जबकि ये कहते हैं कि बेटा बन के जो है ना, बेटा बन के तो सबने खाया, बाप बन के कोई नहीं खा पाया। यानी कि मेरी मदर खुद बताया करते थे कि औलाद जो होती है वो कर्जे होते हैं, पिछले जन्मों के कर्जे हैं जो औलाद बन के लिए जाते हैं। और कई दफ़े ऐसी भी लोगों से मुलाकात होते जो पैदा हुई औलाद है ना, मतलब दुनिया से उनको दुख कोई नहीं मिला लेकिन उनकी औलाद से इतना दुख उनको मिला कि वो ये कहते हैं कि भाई मेरे ये पैदा ही क्यों किया, इसे तो नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा था कि इसने मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी। मतलब हर वो दुख जो बाहर की उससे मिलना है वो घर में ही पैदा कर लिया मैंने। दूसरी ये होती है, तीसरा जो दिखाया मोर के पंख वो था ऐश्वर्य, कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा हो, हम कर्म कितने ही माड़े करें, कितना ही गलत करें, पर जब फल का समय आए तो सबसे सर्वोत्तम फल जो है ना वो हमारे हिस्से में आ जाए। तो वो जब मोर के पंख जो दिखाई थे उसका था कि ऐश्वर्य, सब कुछ अच्छा अच्छा हो, गलत किसी और के खाते में जाए, गलती करें हम लेकिन उसका खामियाजा कोई और उठाए, तीसरा उस। और चौथा जो दिखाया था, जो ओंकार की आती चली जब दिखाया था कि साक्षात महाशिव उसमें विराजित थे, उसका था कि गुरुजी जो बोलते थे जो मैं देने आया हूँ वो तो कोई मांगता ही नहीं है, और इन तीन चीज़ों में या तो पैसे की भूख में या औलाद की या सुख संपदा ऐश्वर्य के चक्कर में हम जन्म जन्म अपने जो है ना बिता के आ रहे हैं, लेकिन गुरुजी महाराज का सब्र इतना है कि वो जन्मों जन्म हमें एक मौका दे रहे हैं कि फिर भी जो मैं देने आया वो ले लो। मतलब बहुत बड़ी वो है। एक सुना करते थे जब 2006 में जाना शुरू किया था तो एक सत्संग सुना था मंडे को, जैसे सेवा भी करते थे, सत्संग भी बैठ के करते थे छोटे छोटे, उसमें तो उसमें एक सुना था कि एक आंटी से गुरुजी बात कर रहे थे, तो बात में आंटी ने जो है ना गुरुजी से बोला कि गुरुजी मैं आपसे बड़ी हूँ, तो गुरुजी ने उनको हंस के एक जवाब दिया था। गुरुजी ने बोला कि पिछले 10 जन्म और 600 साल से तो मैं तुम्हें लेके घूम रहा हूँ,
सत्संग दो लाइनों का है, लेकिन गुरु जी के जवाब में इतनी बड़ी कृपा छिपी हुई है कि पिछले 10 जन्म और 600 साल से उनका सब्र देखिए गुरु जी का। हम 2 घंटे सत्संग में बैठने के लिए उसमें कस तरह की दिमाग इधर उधर ले जाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उन्होंने पिछले 10 जन्म 600 साल से वो बार बार हमें हर जन्म देख के और कोशिश कर रहे हैं कि हम उन 3 चीजों के बाद चौथी चीज जो गुरु जी देने आए थे उस तक पहुंच जाए, उनका सब्र। और हम उस सबर को ही जो गुरु जी 2 घंटे शब्द सुनवाते हैं, फिर सत्संग सुनवाते हैं, तो 2-3 घंटे का प्रोसेस है, वो सबर ही है, पेशेंस, हमारी पेशेंस को ही डेवलप करते हैं कि हमें अच्छे से ध्यान से सुनना आ जाए। तो सुनना आ जाएगा तो समझना आ जाएगा, और समझना आ गया तो फिर गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते। तो गुरु जी का सबर देखिए। और अभी पीछे एक वो चल रहा था कि गुरु जी के यहाँ हम तो अधिकारों की बात ज्यादा करते हैं, चाहे वो हमारा परिवार हो, हमारा कोई रिश्ता हो, हमारा समाज हो, हमारा देश हो, जहां भी होगा हम अधिकारी को अधिकारों के लिए सजग है। लेकिन गुरु जी महाराज ने सिर्फ दायित्व निभाए हैं, अधिकारियों की बात कभी हमसे की ही नहीं। उन्होंने जितनी संगत है उनको ढूंढ ढूंढ के किसका कल्याण करना है वो उनको गुरु जी को पूछता है नहीं पूछता है, गुरु जी के लिए कोई धूपबत्ती अगरबत्ती लगाई है नहीं लगाई है, कुछ किया है नहीं किया है, पर मालिक ने हमको ढूंढ के, कहते हैं कि एक पत्थर को हीरा बनाने के लिए उसमें 1000 लाख जो है ना कट लगाने पड़ते हैं, वो इतनी चोटे लगानी पड़ते हैं, इतने शार्प उसके एज बनाने पड़ते हैं। अगर पत्थर एक बार भी इधर से उधर हो जाए या रिएक्ट कर जाए तो वो पत्थर, वो हीरा जो वो बनाना चाहता है, जिसने उसका पत्थर का चुनाव किया, वो हीरे की जो बनाना चाहता है, वो कहते हैं कि जितने उसकी कट होंगे उतनी उसकी कीमत बढ़ती है। तो वो हीरा तभी बन पाएगा, उसकी कीमत तभी बनेगी जब जैसा मालिक चाहता है वैसा उसके हाथों में अपने आप को सौंप दे। वो जितने कट हम छोटे से छोटे दुख से, छोटा सा कोई जिंदगी में दुख आता है, वो लाना देना शुरू कर दे, हमें सब्र नहीं है कि इस दुख के बाद, किस छोटे से दुख के बाद, कि ये जो कष्ट है इसके बाद गुरु जी ने हमारे लिए क्या रखा हुआ है। और फांसी की सजा को एक चांटे में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हम वो चांटा भी सहन नहीं करते, उसका भी हम उलाना देते हैं गुरु जी कि गुरु जी की आपके होते हुए। वो जो तीसरा स्टेप था ना कि मोर के पंख है, कि हम अपना बुरा, मतलब बुरा हम कुछ भी करें लेकिन अपना बुरा नहीं चाहते, और गुरु जी से भी ये चाहते कि हमें आपकी शरण मानने के बाद दुख नाम की चीज जो है ना हमारे से दूर होनी चाहिए, हमारा जो ना सुख और सुख के साधन बस उस पर कंसंट्रेट करो। जो पिछले हमने कर्म कर रखे हैं वो कर्म भी तुम जानो, जो हमने गुनाह कर रखे हैं वो गुनाह भी तुम जानो, उसका हमें खामियाजा ना भुगतना पड़े, सिर्फ आप हमें अच्छा अच्छा जो है ना हमारी जिंदगी में ला करो। पहला दिन मेरा जो गुरु जी के यहाँ साक्षात, जो गुरु जी के साथ साक्षात्कार हुआ मेरा 12 मार्च 2006 में, जो मैं पहली बार जब गुरु जी ने अपने दर पर बुलाया था और अपने दर्शन दिए थे, तो पहले दिन ही जब मेरे अंदर एक वो था कि वो जो गुरु जी के स्वरूप बांट रहे, तो उन मेरे को, क्योंकि मैं लंगर करके आया तो हाथ झूठे हाथ में जो है वो था कि लंगर है झूठे हाथ हैं, धोने चला गया, जल प्रसाद लेके आया, वापिस आया तो वापिस आने के बाद वो अंकल चले गए थे। तो मैंने मनोज को एक साथ में बड़ा कान में उसके बोला था, मैंने कि मैं तो इस चक्कर में लग गया पानी पीने या हाथ धोने के चक्कर में, वो तो चले गए। तो उसने एक ही चीज़ बताई थी कि भाई साहब आप पहले दिन आए हो और पहले दिन ही गुरु जी के स्वरूप मांग रहे हो, मैं 3 महीने डेली मत्था टेका था गुरु जी को, तब जाके गुरु जी की कृपा आई थी, गुरु जी ने एक स्वरूप मेरे को मिला था। और कहने लगा कि टाइमिंग और प्रायोरिटी सब गुरु जी की है, ये सुबह की कब किसको क्या देना है, कितना देना है, कैसे देना है, गुरु जी ने जब सब कुछ डिसाइड करना है। तो उस दिन मैं बिल्कुल निश्चिंत था, क्योंकि मैं 13 साल से रामलीला में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो भाव हमेशा पॉजिटिव रहा, आस्था हमेशा बनी रही, भरोसा था कि इस दुनिया को, इस सृष्टि को चलाने वाला कोई है और वही सब कुछ कर सकता है, ये शुरू से था। तो यहां जाके उस भरोसे पे एक और स्टैंप लग गई कि तो, क्योंकि ये कहते हैं ना कि 6 चीज जो है ना कुदरत ने अपने हाथ में रखी हुई है, वो कहते हैं कि ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, जो भी जिस नाम से भी आप पुकारो, उसने अपने हाथ में रखी 6 चीज, जन्म मृत्यु, लाभ हानि, यश अपयश, ये 6 चीज के अलावा 7वां कोई जोड़ा आपको सोच में नहीं आएगा। पूरी हमारी जो सारी जिंदगी के जो जरूरतें हैं, सारी जिंदगी की जो हमारी इच्छाएं हैं, सब कुछ है, वो सब इसमें ही समाहित है। या तो हम जीने मरने के लिए कहीं भटकते हैं, या लाभ हानि के लिए कुछ करते हैं, या यश अपयश के लिए करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमें उन्होंने अपनी तरफ से बता चुके हैं कि सब कुछ मेरे हाथ है, फिर भी इंसान इतना नासुकरा है कि वो उनकी उन बातों को भी इग्नोर करके सब कुछ अपने ऊपर लेके चलता है, और उस
चौथी मोमबत्ती जला के उसमें वो चक्की पीसने के लिए वो बैठ जाया करते और जिंदगी उसमें बीत जाती है। और यही वजह है, तो पहले दिन गुरुजी ने मेरे को बता दिया था कि सब कुछ उन्होंने तय करना है और वो दिन है और आज का दिन है, मेरी जिंदगी में मेरे को मेरी किसी भी जरूरत के लिए कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हर चीज कि गुरुजी जो है ना चमत्कार नहीं करते, ड्यू प्रोसेस जो होता है किसी चीज का, तो गुरुजी को हर संगत का, हर संगत का क्या, हर सृष्टि में वो सबका पता है कि किसको किस वक्त क्या चीज की जरूरत है। अगर आपने भरोसा पूरा किया है तो आपकी वो जरूरत, कर्म तो आपने करना है लेकिन वो जरूरत आपको बिना सोचे जो है ना आपको वक्त पे पूरी होती दिखाई देगी। और कैसे हुई, अगर उसमें अकल लगानी शुरू कर दी तो जिंदगी बीत जाएगी, आपकी समझ में नहीं आएगी। हमारा घर था जिसकी 10 फीट की गली थी, नालियां निकलने के बाद 7 फीट की गली रह गई, तो 100 गज का मकान जो हमारे हिस्से में था वो पिताजी का बनाया हुआ था, टूटा फूटा था, जमीन से करीब जो है 2-3 फीट गहरा नीचे जा रहा था उसमें। तो बरसात से पहले मदर को जो है ना वाइफ की वाइफ वो किसी पंडित जी के पास लेके चली गई, तो पंडित जी ने बता दिया कि ये दिन और ये वक्त जो है ना बहुत शुभ मुहूर्त है मकान स्टार्ट करने का। और मदर ने बिना हमसे बात किए हुए, क्योंकि पिताजी पहले 2005 में पूरे हो चुके थे, हम मेरे से भी बात नहीं की और किसी भाई से बात नहीं की, और लेबर अपने लेवल पे लेबर बुला के और पिताजी वाला कमरा तोड़वाना शुरू कर दिया। 2 दिन बाद मेरे छोटे भाई का फोन आया कि भाई साहब आपको पता है अम्मा ने मकान तोड़वाना शुरू कर दिया। मैंने कि मेरे को तो पता नहीं। मैंने कि तेरे को बताया था? कह रहे नहीं। तो हम दोनों गए अम्मा के पास में, तो अम्मा से पूछा अम्मा ये क्या किया, क्योंकि गली की वजह से जिससे भी बनाने की बात कहते वो ये कहते जी आज का वक्त ऐसा है कि कम से कम 4 पहियों की गाड़ी जो है ना दरवाजे तक पहुंच जाए, इमरजेंसी में हारी है बीमारी है तो वहां तक तो पहुंच जाए, इस गली में तो जो है ना 2 व्हीलर भी घुमा घुमा के पलटना पड़ता है इसमें, तो इसमें पैसे लगाने के कोई फायदा नहीं है। तो हम अवॉइड कर रहे थे उसको कि कोई छोटी और कोई जगह ले ले, कुछ भी ले ले, लेकिन इसमें पैसा ना लगे, पर मदर ने उन्होंने बता दिया। अब मदर से पूछा मैंने कि आपने मुहूर्त तो पूछ लिया कि शुभ मुहूर्त है, पर इसका बनाने का पैसा भी और पूछ लिए थे कहां से आएगा, क्योंकि मेरे पास बड़ी बिटिया थी जिसके मैं शादी के बारे में लड़का ढूंढ रहा था कि भी कहीं इसके मेल का कोई बच्चा मिल जाए, तो मैं जो है ना शादी को प्लान कर रहा था, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी होती है कि अगर हमारे घर की जरूरत है और बच्चे की शादी की जरूरत है तो हम प्रायोरिटी यही करेंगे कि घर बाद में बनते रहेंगे, पहले जो है ना बच्चे की शादी करें। पर गुरुजी को कुछ और मंजूर होता है, वो हमारी जिंदगी में जो होता है ना, जैसे नींव के ऊपर, नींव बाद में बनेगी और ऊपर पहले दीवार नहीं बन सकती, तो पहले नींव बनाना जरूरी है उसके बाद दीवार बननी है, तो गुरुजी को पता था। तो उतनी बात हुई और मदर ने लास्ट में तंग आके ये बोल दिया कि भाई मैंने ये तोड़वा दिया, अगर तुम्हारे से बनता है तो बना लो, नहीं तो छोड़ दो इसको। अब हम भाइयों ने डिसाइड किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी तो कोई इज्जत नहीं है, पर पिताजी की तो इज्जत है, वो ये कहेगा 5 लड़के हैं सब कमा रहे हैं लेकिन जो है ना मकान ऐसा टूटा फूटा पड़ा है। हमने डिसाइड किया कि जैसे भी है चाहे वो एक ग्राउंड फ्लोर ही बन जाए, कुछ बन जाए, बना लेते हैं। उसी दौरान में हाथ में, मतलब मेरी प्रायोरिटी थी बिटिया की शादी, और उसी दौरान में एक मेरे और छोटे भाई का एक प्लॉट पड़ा था, एक जो बंदा था जिससे हमने लिया था उससे हमने उसको बेचने की बात की थी, तो उसने जो रेट हमने मांगा था उस रेट पर उसने ये कहा था कि जी इस रेट में कोई अगर आपका ये प्लॉट ले जाए तो आपके टांग के नीचे से निकल जाऊंगा। और ये बात इधर मदर ने मकान तोड़वाया, उधर हम उसमें थे कि पैसे का कहां से इंतजाम करें, कैसे करें। तो इतने में वो बंदा आया घर पे लेके, हैंडसम अमाउंट लेके हमारे घर बैठ गया आके, और आके कहने लगा जी भाई साहब मेरे रिश्तेदार को चाहिए और ये पैसा पड़ा है, मैं वापस नहीं लेके जाना, आप कुछ भी करो ये प्लॉट देना है अपने। अब क्योंकि जो पैसे की हमारी जो जरूरत थी, हम जो कहां कहां से ये सोच ही रहे थे, विचार ही रहे थे, जो हमारे दिमाग में भी नहीं था, और वो चुपचाप आके वो दे के चला गया और वो काम शुरू हो गया। वो काम बनते बनते अभी उसका पूरा फिनिश नहीं हुआ था, इतने ही मेरी बिटिया का जो है ना रिश्ता तय हो गया, और रिश्ता तय हो गया। अब इधर मकान का काम चल रहा है, मतलब उसके दरवाजे वगैरह लगने थे, बाहर वाले लग रहे थे, उतने में ही उसकी शादी का तय हो गया, वो शादी भी रखी गई। शादी में जब वो हुआ तो उधर मकान भी बना, शादी हुई, तो उसका उस टाइम के बाद मैंने देखा कि मकान कैसे बना, कहाँ से क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। गुरुजी की वो है कि मैं पहले एक डायरी में जो है ना वो मेंटेन किया करता था खर्चा, लेकिन वो दिन है जब से वो मकान बनना शुरू हुआ, वो दिन है मेरी जिंदगी का, मेरे को डर लगने लगा, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आया कि कहाँ से गुरुजी ने कैसे करके जो है ना ये सब कुछ किया है। मैं तो सिर्फ करता चला गया,
जो भी मतलब जिस रास्ते पर उन्होंने चला चलता चला गया, लेकिन मेरे को नहीं समझ में आया। बिटिया की शादी हुई, बिटिया की शादी का भी मेरे को नहीं आया। बिटिया की शादी में एक और जो सत्संग हुआ कि मैंने डीजे की जगह जो है वो गुरु जी का दरबार लगाया। मेरा एक भाव अंदर से था कि डीजे जो है ना एक शोर है, अननेचुरल, वो एक तरह से वो शोर है और वो लोगों को जो है ना एक लाउड वॉइस में बात करने का वो करता है, बोला आराम से बात कर सकते हैं जो से बात करने के बाद। मैंने वहाँ गुरु जी का दरबार किया था, तो जो संगत के साथ में सेवा करते थे बड़े मंदिर में, वो संगत आई, गुरु जी का दरबार बना, दरबार सजा, वहाँ जोत तो जला दी, बाकी कुछ नहीं। तो संगत जो आई थी, जितनी आई थी, वो संगत वहाँ बैठ के गुरु जी के साथ बैठ के मत्था टेक के चले गए। रिश्तेदार पूछ रहे हैं, मेरे सगे चाचा जी पूछ रहे थे कि भाई ये कौन है, मगर गुरु जी हमारे, कह रहे हैं इन्होंने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया है। मैंने कि सब्जेक्ट वाले जो है ना वो अध्यापक जो है स्कूलिंग वाले कॉलेज वाले, वो एक अलग चीज़ होती है, उससे ऊपर भी एक वो है जिसके लिए गुरु की जरूरत होती है, वो है इस जन्म को सार्थक बनाने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, कि जन्म जिस पर्पज़ के लिए हुआ है उस पर्पज़ को पूरा करें, उसका रास्ता कौन बताए, हाथ पकड़ के वहां तक लेके कौन जाए, कौन तारे हमें। तो इसलिए मैंने कि भाई ये वो गुरु हैं। फिर शादी का काम वगैरह वो पूरा हो गया, मैं वापस सेवा में गया, तो जो संगत बिटिया की शादी में आई थी, उन संगत ने बताया कि जी अंकल जो गुरु जी का दरबार लगा था, एक बिल्कुल यूनिक वो लगा, और हमें लगा ही नहीं कि शादी, हमें ऐसा लगा कि गुरु जी का जो सत्संग में हम अटेंड कर रहे हैं, और जो खाना था उसमें भी लंगर का स्वाद आया। तब उनसे सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने जो बताई कि वहाँ जो आपने जो दरबार में शब्द चला रखे थे बड़े प्यारे, ये वो बात थी कि मैंने डीजे नहीं लगवाया, कोई माइक नहीं था, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिसमें मैं वो चला सकता था, पर मैं समझता हूँ कि मेरे से एक चौक हुई थी कि गुरुजी का दरबार सजा, दरबार लगा, गुरुजी विराजित हुए, लेकिन शब्द नहीं चले संगत के लिए। वो चीज़ गुरुजी ने पूरी की कि जो मेरे से कमी रही थी, वो गुरुजी ने पूरी की कि वहाँ जो संगत गई, जिन्होंने मत्था टेका, जो बैठे उनको शब्द सुन पाए। मतलब इतनी कृपा, इतनी मेहर कौन करता है, और बिना बोले, कहते हैं बिन बोलिए सब कुछ जानता, किस कीजिए आगे अरदास। शब्द में हम सुनते हैं पर उसको समझते नहीं, और कोई भी हम अपनी किसी भी अरदास को मन में सोच के देख लें, कोई अरदास नहीं है, गुरु जी को तो हम हुक्म ही दे रहे हैं। और जब गुरु जी सब कुछ जानते हैं तो क्या अरदास करनी है उनसे, अगर अरदास कर रहे हैं इसका मतलब उसको कुछ तो है जो हमने बचा के रखा, सब कुछ उन पर नहीं छोड़ा, अपनी जिंदगी का जो स्टेरिंग है उनके हाथ में नहीं दिया। तभी हम किसी अरदास तक पहुंचेंगे, तभी हम किसी शुक्रिया तक पहुंचेंगे। अगर आपने पूरी तरह से अपने आप को उनको सौंप दिया है, तो फिर जैसा वो चाहें, जैसे एक पत्थर और जैसे एक मिट्टी, कोई रिएक्ट नहीं करती। और गुरु जी शब्द में यही कहते, सुनने के लिए जो बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि सुनना आ जाएगा, समझ में आ जाएगा जो चीज़ उसका मर्म जो होता है। जो भोला वाला प्रसंग है उसमें समर्पण का भाव क्या होना चाहिए वो बिल्कुल बताया गया। जब अंत में राजा ने उनके चरणों पे हाथ लगाया, भोला के हाथ लगाया, तो भोला ने वो चरण नहीं हटाए, अपने पांव नहीं हटाए, तो जो वजीर वगैरह थे उन्होंने कहा देखो कितना अहंकार ये है कि महाराज आपसे चरण छुआ लिए। तो राजा ने उसको एक ही चीज़ बोली थी कि भाई मैं तो किसी भाव में बह के तेरे चरणों पे हाथ लगा गया, पांव के हाथ लगा गया, पर तेरे को तो पता था, तो तेरे को तो ये पांव हटा लेने चाहिए थे। तो भोला ने कहा था कि महाराज अगर चरण मेरे होते तो मैं हटा लेता, मैं तो आपकी कुर्सियां हूं, और मालिक की मर्जी है वो कुर्सी के ऊपर बैठे या कुर्सी को सिर पे रखे, तो कुर्सी ने क्या कहना, मतलब कोई भी एक्शन हो उस पर रिएक्शन तो नहीं करना। तो भोला का वो एक प्रसंग है जो गुरु जी सुनवाते हैं, उसमें बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है कि अगर आपका समर्पण पूरा है, कुर्सी की तरह अगर आप मालिक के सामने बैठ गए, तो मालिक की मर्जी है, पावे वो आपके ऊपर बैठे, पावे वो आपको अपने सिर पे रखे, तो कुर्सी ने क्या कहना है। तो जब एक उसने भोला के उसमें प्रसंग में बिल्कुल क्लियर गुरु जी ने समझा चुके हैं कि समर्पण क्या है, अगर किसी भी एक्शन का रिएक्शन हो रहा है तो समर्पण नहीं हुआ, और शुक्राना और अरदास दोनों रिएक्शन हैं। जब तक आप रिएक्शन करना बंद नहीं करोगे तब तक आपका समर्पण कहाँ हुआ। समर्पण का भाव तो वहीं से शुरू होगा जहां आपके रिएक्शन, यानी कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आपका समर्पण नहीं हुआ, अगर समर्पण हो गया तो सवाल आपके मन में नहीं रहेगा। और पहले भी शायद एक बार बात हुई थी कि गुरुजी से निभानी हो सच्ची प्रीत, तो निभाने की एक ही है रीत, ना इच्छा ना मांग ना शिकवा ना उम्मीद।
अगर इन चार चीजों में से हमारे अंदर कोई एक भी चीज है, हमारी कोई इच्छा, कोई मांग, कोई शिकवा या कोई उम्मीद करके हम चलते हैं गुरुजी के उसमें, तो इसका मतलब हम ना तो उनको सच्चा प्यार कर रहे हैं, ना उन पे भरोसा कर रहे हैं, और सरेंडर तो हुआ ही नहीं। तो जब हम उस पोजिशन तक अपने आप को लेके नहीं चाह रहे, जो गुरु जी ने उस दिन बताया कि जो मैं देने आए वो तो कोई लेता ही मांगता ही नहीं है, तो वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं रहे, वो तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम नहीं पहुंच रहे। तो गुरु जी जो चाहते हैं, जो देने आए, जो इस भौतिक रूप में जो हमें कसम दे के गए, अपने स्वरूप हमें हमारे सामने है, स्वरूप हमारे से बात भी सुन रहे हैं, बात कर भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। शब्द में आपने सुना होगा, पूरे उसमें आपने वाणी में सुना होगा कि मालिक देखता भी है और लिखता भी है। जिसको हिसाब किताब रखना है ना, वो देखता भी है तुम्हारे कर्मों को, लिखता भी है, लेकिन रोकता नहीं है, क्योंकि वो चीज तुम्हारे अंदर देके भेजी हुई है कि अच्छे बुरे का ज्ञान तुम्हें होता है। जैसे हम कुछ करने जाएंगे, हमारे अंदर से अंतरात्मा, जो आत्मा जो है ना परमात्मा के एक अंश है, वो अंतरात्मा आपको बता देगी कि तुम गलत करने जा रहे हो, सही करने जा रहे हो। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैंने सही किया या गलत किया, वो आपके अंदर अपने आप ही उसका जवाब आ जाएगा कि आप गलत करने जा रहे हो। और हम अपने किसी लालच में, लोभ में, मोह में, स्वार्थ में कुछ भी सोच के हम उस काम को कर जाते हैं, लेकिन करने के बाद जब उसके रिपरकशन होता है, उसका जब हमें भुगतान करना पड़ता है, तब फिर मालिक को उलाना देते हैं कि मालिक तुम्हारे होते हुए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अभी ज्यादातर संगत का क्या हो रहा है कि वो कहते हैं कि मैं इतनी बार गया गुरुजी के दरबार में, इतनी बार मैंने मत्था टेका लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। अगर आप अपनी उस कृपा को, अगर गुरुजी की कृपा को इन गिनती के उसमें डालोगे, अगर उनने गिनना शुरू कर दिया, उन्होंने जिंदगी बख्शी, सांसें बख्शी और इतना अच्छा गुरु परिवार बख्श दिया, हर वक्त हमारे साथ वो खड़े हुए हैं, उसके बाद भी हम जो है ना उनके लिए अगर दो घड़ी अगर उनको याद कर रहे हैं या सिमरण कर रहे हैं, उसको भी हम गिन के करेंगे। कहते हैं कि जो देता है अनगिनत, तो उसके लिए हम माला जप के गिन के उनको वो करेंगे, उनका नाम भी गिन के लेंगे। क्योंकि जो सांसों की माला तो तभी चल निकलेगी जब पूरा भरोसा हो जाएगा, समर्पण है। मैं तो जब जब कोशिश की है, जैसे कहते हैं कि मालिक का शुक्राना करो, मैं कोशिश क्यों करें कि शुक्राना सांस एक दी है, उसमें सिमरन अगर सांसों के साथ आपका चल गया तो कहीं स्पेस नहीं है शुक्राना करने का। सिमरन छोड़ के शुक्राना की तरफ जाओगे आप, तो गुरु जी ने जो मेरे को जो वो किया है उनकी आपका सिमरन ही शुक्राना है। हर कोशिश ये है कि आपकी प्रैक्टिस ये है कि आपके सांसों के साथ जो है सिमरन चले, हर क्षण पल पल उनकी मौजूदगी महसूस हो और उनको हम सिमर सकें, याद कर सकें किसी भी तरह से। क्योंकि 2010 के आसपास की बात है, एक आंटी जो मेरे साथ सेवा करते थे, उन्होंने मेरे को एक दिन आके बताया कि गुरुजी ने मेरे को बोला है कि विलायती मेरा कबीर है, मैंने कबीर वाणी पढ़ी हुई है, तो मैंने कहा कि कबीर के एक एक दोहे के ऊपर पीएचडी हो रही है, मतलब इतना गूर ज्ञान है उनके उसमें कि उसमें एक एक दोहे में इतना ज्ञान है कि अगर लिखने चले जाओ तो मतलब पूरे ग्रंथ बन जाएंगे। तो मैंने कहा कि अब उनको बोल दिया, सुन लिया, बात खत्म होगी। लेकिन लॉकडाउन के बाद में कुछ ऐसा हुआ, मेरी समझ में नहीं कि वो मतलब क्या था, शुरू शुरू में मेरे को नहीं लगा कि ऐसे शब्दों का जो है ना वो चलना शुरू हो जाए अचानक, उसका कोई टाइम नहीं, कोई पीरियड नहीं कि क्या पीरियड उसका तय हो, कुछ नहीं है। स्कूटर चला रहा हूँ, चलते चलते हो गया, रोक के मेरे को उसको नोट डाउन करना पड़ रहा है। सोते रात को 1:30 बजे आँख खुली है तभी शुरू हो गया, सुबह 4 बजे खुली तो शुरू हो गया, दोपहर, मतलब कोई वक्त नहीं है उसका कब वो आना शुरू हो जाए। तो शुरू शुरू में मैंने उसको इग्नोर करना शुरू किया, मैंने पता नहीं क्या है, ऐसा कुछ हो रहा है। बाद में मैंने हाथ से लिखना शुरू किया, पर उसकी स्पीड इतनी होती है कि मैं उसको मैच नहीं कर पाया कि हाथ से लिखूं। फिर डायरेक्ट फ़ोन पे करना शुरू किया, तो फ़ोन पे किया, इधर से आता जा रहा है, उसको लिखता जा रहा हूँ, बाद में उसको देखता हूँ पढ़ के, ना तो उर्दू के इतने शब्द उसमें आए, कुछ पंजाबी के आए, पता नहीं कौन सी भाषा का, मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कभी उर्दू को कभी पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, इतना कहाँ से शब्द आते हैं, कैसे आते हैं, वो सब उसमें आ जाते हैं। और उसकी कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, बस उसमें एक ही चीज़ कंक्लूड होकर आती है कि आपने जो आपकी इनबिल्ट जो गुरुजी महाराज ने जो कुदरत दे के भेज दी है,
कि आपका श्रद्धा, आपकी आस्था, आपका भाव, आपका भरोसा और आपका समर्पण की जो चीजें जो मालिक को चाहिए, ये आपके अंदर इनबिल्ट है, हर शरीर में, हर इंसान के साथ आती है। बाजार से कुछ भी लाना नहीं पड़ता, और जो चीज बाजार से ला सकते वो मालिक तक पहुंचती नहीं, ना आपकी धूप बत्ती, ना अगरबत्ती, ना फूल, ना माला, ना ज्योत बत्ती, ना प्रसाद, कुछ भी नहीं। क्योंकि ये सब कुछ अरेंज कर सकते हैं हम, लेकिन अगर आपके अंदर वो श्रद्धा, वो आस्था, वो भाव, वो भरोसा ही नहीं बना, तो कुछ मायने नहीं रखता। क्योंकि प्रसाद बनता है आपके भाव से। अभी एक सवाल आया था कि जो लंगर जो है ना वो घर में बनाना चाहिए, तो ठीक, एक लिमिट तक तो जो है ना, छोटा परिवार है, छोटी जगह में बन जाएगा, लेकिन जब परिवार बड़ा हो जाता है, तो पहले जो चार रोटी का आटा मांडता था, तो बड़ा परिवार होने के बाद वो 40 रोटी का भी आटा मांडना पड़ेगा। तो जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से बढ़ेगा। तो कहने लगे जी घर में बनना चाहिए, मैंने कि जब गुरुजी का परिवार बड़ा हो गया, अगर घर में नहीं हो सकता तो उनको तो खिलाना है, भूखा तो रखना नहीं है, तो बाहर से ही आएगा। वो कहने लगे नहीं, गुरुजी कहते थे कि जी जो भी बनना है घर से बनना है। मैंने कि जब मीठा प्रसाद आता है, वो बनाने वाला किस भाव से बना रहा है, बेचने वाला किस भाव से बेच रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन जब वो आके गुरुजी के भोग में शामिल हो जाता है तो वो प्रसाद हो जाता है। और प्रसाद जैसे ही वो खरीदा जाता है, जिस भाव से खरीदा जाता है मार्केट से जो भी चीज, वो उसी क्षण वो प्रसाद में कन्वर्ट हो जाती है, भले ही वो साक्षात गुरुजी को भोग लगाई गई हो, नहीं लगाई गई हो, क्योंकि आपका भाव बनाता है। जब तक आपका भाव ही नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है, वो चीजें हैं। और इसीलिए कहते थे कि एक बार महाशिवरात्रि, जो पहली महाशिवरात्रि पड़ी थी गुरुजी जब चोले में थे 2006 के उसमें, तो मैं जैसे अंदर सेवा कर रहा था, तो बाहर जो पुलिस वाले जो ड्यूटी पे थे उस दिन, मेन गेट के अंदर जो पहला कमरा हुआ करता था, ऑफिस जिसको बोलते थे, वहाँ वो लोग थे। तो मेरे को उन लोगों को जो है ना वो प्रसाद लेके भेज दिया कि भैया उनको, अपने भाई बंधु को, पुलिस वालों को जो है ना प्रसाद दिया हो। मैं उनको प्रसाद लेके आया, लेके गया। अब वो उनमें से सब जो है ना वो आनाकानी करने लगे, कहने लगे जी कोई कह रहा मेरा व्रत है, मैं तो 12 बजे ऐसे से खोलूंगा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। तो मैंने उनको बोला, मैंने कि भाई जिसको आपने जिसके नाम का व्रत रखा है, अगर वो प्रसाद दे रहा है, अब उसको आप मने कर रहे हो, तो फिर व्रत किस लिए रखे? जब वो तुम्हारे पे रिजू होके, खुश होके वो प्रसाद दे रहा है, यानी कि प्रसाद का मतलब है कि जो आपके विषाद को, आपकी परेशानियों को हरता है, वो प्रसाद होता है। मतलब ब्लेसिंग्स है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स है वो प्रसाद जो है, तो ब्लेसिंग से आपके कष्ट कटेंगे, आपके विषाद, आपके मन के जो भाव है, जो नेगेटिव से पॉजिटिव आएंगे, आपके आसपास का जो नेगेटिव जोन है उसको पॉजिटिविटी मिलेगी, वो प्रसाद का है। तो मैंने कि प्रसाद मिल रहा है। फिर उनमें से एक लड़का था जो मेरे साथ उसने सर्विस की थी, उसने बाकियों को बताया, कह रहा भाई ये जो प्रसाद लेके आया है गुरु जी का, ये भी हमारे बीच का है। और अगर ये बात कह रहा है, तो तब उन लोगों ने सबने वो प्रसाद ग्रहण किया, क्योंकि उनका जब बातचीत की तो उनका भाव बदला। और जैसे ही भाव बदला, आपका भाव बदलेगा, आपके जिंदगी के अभाव खत्म होंगे। तो भाव को बनाना बहुत जरूरी है। आपकी श्रद्धा बनी, आपकी आस्था उसमें गुरु जी में आ गई, आपका भाव पैदा हो गया, तो उसको बनाए रखना जरूरी है, और भरोसा। आज के लिए इतना ही। आगे कभी गुरु जी मौका देंगे, जो भाव गुरु जी अंदर पैदा करते हैं, जो गुरु जी के सत्संग जो सुनवाना चाहते हैं, वो फिर कभी शेयर होगा। जय गुरु जी।